दिस प्रोडक्ट इज़ सो बैड यू गाइज, आई कांट इवन। इसको लगाने के बाद आपका मेकअप अच्छा खासा ट्रांसफ़र होगा, बिकॉज देखो उंगलियाँ छप गई ना मेरी। क्यूट लिपस्टिक फ्रॉम NY Bay, ये इनकी एयरपॉड लिप पॉड्स हैं। आई थिंक दिस इज टोटली वर्थ योर मनी। अगर आप स्विस ब्यूटी खरीदने के बारे में सोच रहे थे, देन आई थिंक यू कैन थिंक अबाउट दिस ऑल्सो। दिस इज सम रियली गुड स्टफ। हाई गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप लोग? आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से व्हाट्स न्यू इन अफोर्डेबल। सो एक्चुअली हुआ क्या ना, मैं गई थी NY Bay का होलोग्राफिक लाइनर खरीदने, बट आई एंडेड अप बाइंग ऑल द न्यू लॉन्चेस फ्रॉम NY Bay। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव अ फ्यू प्रोडक्ट्स लाइक इधर उधर के भी हैं, जैसे कि मार्स का फाउंडेशन, ये नया वाला ब्लॉसम वाला जो कि अपेरेंटली एवरीबडी इज लविंग, एंड उसके अलावा ये विश केयर की सनस्क्रीन जो नई लॉन्च हुई है, एंड कुछ इधर उधर के और दो प्रोडक्ट्स हैं, एक दो प्रोडक्ट्स हैं। सो अगर आप जानना चाहते हो व्हाट आर द न्यू थिंग्स इन द मार्केट दैट आई हैव टुडे, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। और अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं, देन हाई, माय नेम इज निधि, मैं बनाती हूँ ब्यूटी लाइफस्टाइल रिलेटेड कॉन्टेंट, एंड अगर आपको भी मेकअप और स्किन केयर से प्यार है, देन यू माइट लाइक माई चैनल, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। नाउ हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्ट। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट ऑफ करेंगे विद द स्किन केयर पार्ट। सो यू गाइज ऑलरेडी नो वी जस्ट लॉन्च कप्स एंड लैशेज लिप बाम, येस, एंड थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स। बाय द वे, इफ यू हैव ट्राइड इट आउट, आपको मिल गया आपका प्रोडक्ट, तो कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना डिड यू लाइक इट और नॉट, बिकॉज आई जस्ट लव देम एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू हियर वट डू यू हैव टू से अबाउट दीज। सो कॉमेंट करके मुझे बताओ अगर तुमने ये खरीदा है, और अगर खरीदा है तो अच्छा लगा कि नहीं। ओके, मूविंग ऑन टू द बेस। तो पहले मैंने ना मॉइस्चराइजर लगा लिया, एंड देन आई वेंट ऑन विद सम अमेजिंग सनस्क्रीन्स बाय विश केयर। या विश केयर ने लॉन्च करी हैं दो न्यू सनस्क्रीन्स। दीज आर देयर फ्लूइड सनस्क्रीन, एंड गाइज दे आर मैजिक। कैन यू लिसन, लिटरली दीज आर लिक्विड, दे आर नॉट एट ऑल क्रीम, एंड फटाफट से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा। देर इज लिटरली नो वाइट कास्ट, लगाते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे पानी जैसा लगा रहे हैं। सो आई हैव टू हियर, आई थिंक यही दोनों लॉन्च करी है। आई हैव सीन ऑलमोस्ट एवरीबडी रेव अबाउट दीज, सो आई थॉट वाई नॉट, लेट्स जस्ट गिव देम अ ट्राई। सो ये है नाइसिनामाइड ऑयल बैलेंस फ्लूइड सनस्क्रीन, लाइट एंड मैट। इसमें है ओट्स एक्सट्रैक्ट, जिंक पी सी ए, सीका एंड सेरामाइड। दिस बोथ ऑफ देम एक्चुअली आर SPF 50 PA 4+, यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। मैंने ये वाली यूज़ करी, आई हैव नॉट यूज्ड दिस टुडे, आई रियली वांट टू बिकॉज आई फील दे आर वेरी लाइट वेट ऑन द स्किन एंड फटाफट से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है। सो यस, ये मैं फिर कभी यूज़ करूँगी, बट आई यूज्ड दिस वन टुडे नाउ, क्योंकि मैंने ना एक बहुत ही हैवी मॉइस्चराइजर लगाया हुआ था अपने फेस पे, तो उसकी वजह से ये मुझे बहुत ज़्यादा मैट नहीं लगी। दिस डज से दैट इट इज़ लाइट एंड मैट, बट आई विल हैव टू ट्राई इट आउट मोर, मे बी विद अ लाइटर मॉइस्चराइजर टू नो कि ये मैट है कि नहीं है। बट फॉर माई ड्राई स्किन आई लव्ड हाउ इट पेयर्ड अप विद माई मॉइस्चराइजर, कोई पिलिंग नहीं हुई, फटाफट से स्किन में अब्जॉर्ब हो गया, एंड इट लिटरली फेल्ट लाइक वाटर ऑन द स्किन, एंड माई स्किन वॉज ग्लोइंग लाइक दिस इज सम रियली गुड स्टफ, आई पर्सनली फील सो। सो येस, ऑल्सो दिस रिटेल्स फॉर 499 rupees फॉर 50 grams ऑफ प्रोडक्ट, विच आई थिंक इज प्रिटी डिसेंट। मूविंग ऑन, आई अप्लाइड द फाउंडेशन, एंड फॉर माई फाउंडेशन टुडे आई यूज्ड द न्यूली लॉन्च्ड, न्यूली I guess yes, it's new. It's not very new, but it's new. The newly launched Mars Foundation. This is high coverage plus prepared specially for Indian skin. Now this is some really good stuff. Remember जब मैंने Maybelline का Superstay Lumimatte Foundation try किया था, मेरे पूरे face पे से फट गया था, एंड मे भी मतलब बहुत दिनों तक मैं ये सोचती रही थी कि ऐसा तो नहीं कहीं मेरे application में कोई problem है, but नहीं, it was the problem with the foundation, because this is very very good. It has a almost dewy finish, I would say, but अगर आप एक mattifying primer use करोगे ना, तो आपको अच्छा खासा demi matte finish भी मिल जाएगा। अब क्योंकि मैंने अपनी skin जो है बहुत अच्छे से prepare करी थी for a dewy base, like I used a heavy moisturizer, उसके ऊपर मैंने जो primer use किया वो भी जो है एक dewy primer था, तो मेरा base जो है it looked really really good। close up में भी आप देख सकते हो, in fact अभी makeup को लगाए हुए almost 2 घंटे हो गए, but वो किसी भी dry patch पे cling नहीं किया है। in fact my smile lines are almost negligibly visible. I feel that this is a great foundation in terms of texture. However, ये ना बहुत ज़्यादा oxidized होता है. So the other day मैं एक शॉर्ट डालूंगी इस फाउंडेशन के ऊपर, तो आप देख लेना, मैंने शेड नंबर 5 यूज़ किया था, एंड इट लुक्ड फाइन जब मैंने सबसे पहली बार उसको स्वॉच किया, पर थोड़ी देर के बाद ना मेरा पूरा फेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा
डार्क हो गया था, सो आई ट्राइड आउट अ लाइटर शेड टुडे. आई यूज शेड नंबर 3, जो कि एप्लीकेशन के टाइम पे आप देख सकते हो. आपको लगेगा कि यार ये तो कितना ज़्यादा लाइट है, बट इट इज़ लुकिंग ऑलमोस्ट 2 शेड्स डार्कर ऑन मी राइट नाउ. लाइक आई हैव टू यूज़ अ लाइटर कंसीलर अपने अंडर आइज पे, सेंटर ऑफ द फेस पे, जिससे कि मेरा फेस थोड़ा ब्राइटेंड अप लगे. अदरवाइज मेरा फेस बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा था. ये ऑक्सीडाइज बहुत ज़्यादा होता है, सो यू विल हैव टू गो फॉर अ शेड लाइटर. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका फिनिश बहुत ही अमेजिंग है एंड इट लिटरली लुक्स माई स्किन बट बेटर. सो या लव दिस फाउंडेशन. आई विश कि ये उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज ना होता. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. बाय द वे, द कंसीलर्स दैट आई यूज्ड वर फ्रॉम कप्स एंड लैशेज अगेन. आई ऑल्सो डिड माई आईब्रोज विद अ न्यू प्रोडक्ट, जो कि मैंने अपने नायका हॉल में भी दिखाया था. इट्स द आईब्रो केक फ्रॉम मिस क्लेयर. नाउ मुझे नहीं पता था कि ये जो है ये कंसीलर नहीं है बल्कि आईब्रो जेल है. बाद में मुझे कॉमेंट आया था, देन उसके बाद आके मैंने इसको चेक किया. आई गॉट टू नो कि ये कंसीलर नहीं बल्कि आईब्रो जेल है. सो हाउ आई लाइक टू यूज़ इट, मैं क्या करती हूँ, अपना जो स्पूली होता है ना, वो पहले आईब्रो जेल में डिप करती हूँ. देन आई डिप इट इन ब्लैक एंड देन आई डिप इट इन ब्राउन एंड देन स्पूली को ही सिर्फ मैं अपने आईब्रोज पे ऐसे 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 कर देती हूँ एंड आई गेट द मोस्ट नेचुरल लुकिंग ग्रूम्ड आईब्रोज. सो दिस इज़ वॉट आई हैव बिन डूइंग एंड मैं इसको काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ. अब तो आई वुड से आई थिंक 3-4 बार मैं यूज़ कर चुकी हूँ. इट्स अ प्रिटी डिसेंट प्रोडक्ट. मुझे इसकी एक्चुअली पैकेजिंग भी बहुत अच्छी लगी एंड ओवरऑल लाइक इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ स्पेंडिंग लाइक अ 500 rupees ऑन योर आईब्रो प्रोडक्ट, देन गो फॉर इट. अदरवाइज अगर आपको सस्ते में चाहिए देन मार्स के आईब्रो पैलेट्स हैं, वो भी काफ़ी सही हैं. स्विस ब्यूटी के आईब्रो पैलेट्स हैं, वो भी काफ़ी सही हैं. यू कैन एक्चुअली गो फॉर दोज ऑल्सो. ये थोड़ा बल्की भी है साइज़ में, मार्स और स्विस ब्यूटी के थोड़े से कॉम्पैक्ट है. सो यू नो चॉइस इज़ योर्स. प्रोडक्ट्स बहुत है मार्केट में, सो पिक एंड चूज़. मूविंग ऑन, आई यूज्ड अ वेरी वायरल ब्लश. ओके, सो आई यूज्ड दिस कुशन ब्लश फ्रॉम NYBE. आई थिंक ये तो वायरल नहीं, काजा वाला ज़्यादा वायरल है, बट काजा वाला ज़्यादा महंगा भी है. ये वाला जो है ये रिटेल करता है फॉर 449 rupees, बट आई थिंक डिस्काउंट हमेशा रहता है. एंड इसमें आपको मिल जाता है 5 grams प्रोडक्ट. दिस प्रोडक्ट इज़ सो बैड यू गाइज, आई कांट इवन लाइक लिटरली. पहली चीज़, पैकेजिंग बिल्कुल सेम है जैसी काजा वाले की है. ओके, ये आपका स्पंज जो है ना, अगर आप इसको यूज़ करोगे ये आपका मेकअप पूरा उठा लेगा. दिस स्पंज, डू नॉट यूज़ दिस, एटलीस्ट ऑन मी. मेरा फाउंडेशन पूरा उठ गया था यहाँ से. देन द प्रोडक्ट इन इटसेल्फ, मैं बहुत देर तक उस स्पंज को इसमें टप 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 करती रही, बट प्रोडक्ट स्पंज को उतना आ ही नहीं रहा था कि जितना आपके फेस पे कलर आ जाए. अल्टीमेटली आई वेंट इन विद माई ब्रश, F016 ब्रश, मैं इसके अंदर डिप करके तब मैंने अपना ब्लश लगाया, तब थोड़ा बहुत कलर आया. ओवरऑल आई थिंक 449 rupees भी वर्थ नहीं है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए. आई डोंट नो कि काजा वाला कैसा है, बट दिस वन इज़ नॉट वर्थ 449 rupees. लाइक पैकेजिंग के लिए तुम्हें खरीदना है तो तुम खरीद सकते, बट क्या प्रोडक्ट तुम्हारे काम भी आएगा, दैट्स क्वेश्चनेबल. बिकॉज अल्टीमेटली इसको करते रहोगे प्रोडक्ट नहीं आएगा, आएगा तो आपका फाउंडेशन उठ जाएगा. सो आई डोंट थिंक दिस इज नेसेसरी. एंड एज आई सेड कि काजा वाला मुझे नहीं पता कैसा है. आई हैव सीन पीपल कि काजा वाला काफ़ी पिगमेंटेड है, एक ही बार में अच्छा सा दिल बन जाता है, बट इसमें आप देखोगे वो दिल भी ढंग का नहीं बन रहा, सिर्फ आउटलाइन बन रही है. सो आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड विद दिस प्रोडक्ट. इफ़ यू हैव यूज्ड इट, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मज़ा आया इसको यूज़ करके, या फिर आप भी मेरी तरह डिसअपॉइंटेड ही थे. ओके, सो दैट वॉज NYBE का स्टैम्प एंड ग्लो ब्लश. Next, let's talk about what I have on my eyes, which is pretty amazing. And this is NYBE का holographic eyeliner. So this retails for 299 rupees. अगर मैं इसको Swiss Beauty से compare करूँ price wise, तो Swiss Beauty का 449 rupees का है. ये इसके आधे price पे मिल रहा है. And pigmentation में कोई कमी नहीं है. Yes, मेरी आँखों पे ना concealer था, तो इसकी वजह से पहला जब मैंने swipe लिया तो उतना मज़ेदार pigmentation नहीं आया था. But इसको set होने के बाद जब मैंने इसको पर second time apply kiya, just look at how beautiful it is looking and that purple green blue shift on my eyes, it's so pretty. Also this is smudge proof, waterproof, transfer proof, just like Swiss Beauty wala. So आई थिंक दिस इज़ टोटली वर्थ योर मनी. अगर आप स्विस ब्यूटी खरीदने के बारे में सोच रहे थे, देन आई थिंक यू कैन थिंक अबाउट दिस ऑल्सो, बिकॉज इट्स हाफ द मनी एंड इस पर भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. सो यू आर पेइंग वे 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 लेस देन स्विस ब्यूटी एंड गेटिंग द एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट. सो
हाईली रिकमेंड दिस. नेक्स्ट मैं बिल्कुल भूल गई, जब मैं ब्लश के बारे में बात करी थी आई शुड हैव टॉक्ड अबाउट दिस तभी. यह है स्विस ब्यूटी का क्रीम इट अप ब्लश विथ शेयर बटर. इसमें आपको 10 ml प्रोडक्ट मिल जाता है एंड दिस रिटेल्स फॉर 299 rupees. मैंने जो शेड लिया है इसमें वो है कॉपर चीक्स. अब उसने तो NYB वाले ब्लश ने तो जो है मुझे धोखा दे दिया था, तो आई वॉन्टेड समथिंग ऑन माई चीक्स सो आई अप्लाइड दिस वन. कलर पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है बट इट इज़ ए क्रीम ब्लश जो कि मूजी टेक्सचर है थोड़ा सा, तो आई वुड से दैट इसको ना पाउडर से सेट करोगे तो ये लास्ट करेगा, अदरवाइज ये बहुत जल्दी मेरे फेस से एटलीस्ट निकलना शुरू हो गया है. When I अप्लाइड इट, आप स्क्रीन पे देख सकते हो अच्छा खासा कलर था एंड नाउ द कलर हैज़ प्रिटी मच सबसाइडेड. हल्का हल्का सा ऑरेंज ग्लो आपको फेस पे दिखेगा. It is not as much as I applied on my cheeks. So just set it with a powder so that ये long lasting रहे. I think ये 3 to 4 hours से ज़्यादा आपके cheeks पर रहेगा नहीं. अगर आप हाथ अपना face पर ज़्यादा लगाते हो तब तो और जल्दी निकल जाएगा because of that moozy dewy texture which does not set into a matte finish or semi-matte finish. So set it with a powder and you're good to go. Next I have some really cute lipstick from NYBae. ये इनकी AirPod lip pods हैं. First of all the packaging, like I really appreciate the packaging. ये इस तरीके के packaging में आती है so you have the product right here. ऐसे करके आप खोलोगे इसको, यहाँ से आपका सामान मिलेगा. मैंने जो shade लिया है वो है 07 Mauve Move. दोनों ही शेड मेरे ऊपर इतने ज़्यादा flattering नहीं लग रहे हैं. I like lipsticks जिस तरीके के मैंने लगाई हुई है, लाइक दे शुड बी न्यू, दे शुड बी नॉन एग्जिस्टेंट बट दे शुड मेक माई लिप्स लुक माई लिप्स बट बेटर. सो यू नो थोड़ा सा भी अगर डार्क शेड हो जाता तो मुझे उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता, तो इसीलिए तो ये थोड़े से डार्क शेड है मेरे लिए. द पैकेजिंग हाउ एवर इज़ रियली रियली क्यूट. आई विश मैंने थोड़ा सा लाइट शेड में मंगाए होते. सो यू गेट 2 shades, दोनों ही मॉव कलर में है एंड यू कैन सी द स्वॉचेज ऑफ बोथ द शेड्स ऑन द स्क्रीन. जो टेक्सचर है वो काफ़ी स्मूथ था, एप्लीकेशन बहुत अच्छे से हो रहा था. हाउ एवर ये नॉन ट्रांसफ़र नहीं है, दीज आर क्रीम लिपस्टिक्स तो यू नो उसी हिसाब से इसको लेना कि आपके लिप्स पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 hours लास्ट करेंगे, उससे ज़्यादा लास्ट नहीं करेंगे. हाउ एवर दे आर नॉट वैक्सी, दे आर वेरी वेरी क्रीमी एंड बटरी. तो टेक्स्चर वाइज आई थिंक फॉर द क्रीम लिपस्टिक्स दे आर वेरी वेरी गुड. अगर आप भी उस टाइप के हो कि लिक्विड लिपस्टिक्स यूज़ करना ज़्यादा पसंद नहीं है, यू वॉन्ट कि क्रीम लिपस्टिक्स ही चाहिए, देन यू कैन ट्राई दिस वन आउट बिकॉज सुपर क्यूट, राइट? सो दे डू से दैट दिस इज़ अ रिच मैट फॉर्मूला. आई फील दैट दिस इज़ अ क्रीम फॉर्मूला एंड दिस इज़ अ हाइड्रेटिंग फॉर्मूला, दैट इज़ ट्रू. एंड ये 2 lipstick आपको मिल जाएंगी फॉर 349 rupees, विच आई थिंक इज़ अ डिसेंट बाय बिकॉज NYBae पे आपको डिस्काउंट भी हमेशा मिल जाएगा. सो दैट्स द लिपस्टिक दैट आई गॉट फ्रॉम NYBae. एंड आई ऑल्सो गॉट अर्न ऑल अबाउट आईज ट्रियो फ्रॉम NYBae. तो मैंने ना NYBae का काजल यूज़ किया है, एप्पल ऑफ माई आई वाला, एंड इट्स अ प्रीटी डिसेंट काजल. आई थिंक 125 या 150 के अंदर मिल जाता है. दिस किट हैज़ दैट काजल. अपार्ट फ्रॉम दैट को इसमें एक स्केच आई लाइनर मिल जाता है, ठीक है, एंड यू ऑल्सो गेट अ मिनी मस्कारा जिसका वॉन्ट फुल साइज का है. सो यू गेट 3 products एंड ये 3 products आपको मिलते हैं फॉर 499 rupees, विच एक्चुअली इज़ अ वेरी डिसेंट बाय. आई रियली लाइक द मस्कारा, दिस इज वॉट आई हैव ऑन माई आईज. आज मैंने अपने आई लैशेज को एक्चुअली कर्ल किया था, उसके बाद मस्कारा लगाया था और एप्लीकेशन वॉज बहुत ही अच्छा हुआ था. इट्स नॉट अ वेरी रनी फॉर्मुलेशन. ये आपकी लैशेज को ना वॉल्यूम देगा, लेंथ नहीं देगा, कीप दैट इन माइंड. एंड आई रियली लाइक द पैकेजिंग. इसका वॉन्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा. इट्स नॉट टू बिग, इट्स ये आर ग्लास है बट इसके जो ब्रिसल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, तो इट्स वेरी वेरी ईजी टू अप्लाई ऑन योर आईज, बहुत आसानी से अप्लाई हो जाता है एंड इनर कॉर्नर्स आउटर कॉर्नर सब जगह पहुँच जाता है. ओवरऑल आई रियली लाइक दिस मस्कारा. और ये मस्कारा सिंगल में भी अवेलेबल है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सेट ही खरीदना पड़े. आई लाइनर मैंने ट्राई नहीं किया बिकॉज आज मैंने ये काजल लगा लिया था होलोग्राफिक वाला. सो मे बी किसी फ्यूचर वीडियो में आई शेयर माई थॉट्स अबाउट द आई लाइनर. एंड लास्टली वी हैव दिस. ये है शुगर का ग्रैंड फिनाले ड्यूई सेटिंग मिस्ट ल्यूमिनस. नाउ आई थिंक मैंने किसी एक वीडियो में बोला था कि ये जो है मुझे मॉर्फी के ड्यूई मेकअप फिक्सर की याद दिलाता है. येस, इट हैज़ दैट टेंडेंसी कि जितनी भी पाउडरीनेस है ना आपके फेस पे उसको ये मेल्ट डाउन कर देगा. हाउ एवर ये आपके मेकअप को ना ट्रांसफ़र रेजिस्टेंट भी नहीं बनाता है. सो व्हेन यू अप्लाई दिस आपका पूरा का पूरा जो मेकअप है ना वो वापस से गीला हो जाता है, इफ़ दैट मेक्स एनी सेंस. मतलब यू नो यू अप्लाई पाउडर की आपका सारा मेकअप लॉक हो जाए, राइट? उसके ऊपर आप मेकअप सेटिंग स्प्रे लगाते हो कि और फर्दर लॉक हो जाए और ट्रांसफ़र ना हो, बट
इसको लगाने के बाद आपका मेकअप अच्छा खासा ट्रांसफ़र होगा, बिकॉज देखो उंगलियाँ छप गई ना मेरी. ओके, इसको लगाने के बाद आपका मेकअप अच्छा खासा ट्रांसफर होगा, बिकॉज ये पाउडरीनेस को तो हटा देता है, बट इट डजेंट सेट योर मेकअप. सो यू नो आई लाइक द फैक्ट दैट ये मेरे मेकअप को ड्यूई लुक देता है, बट आई ऑल्सो डोंट लाइक द फैक्ट कि ये मेरे मेकअप को जो है ट्रांसफर मतलब होने से नहीं रोक सकता. सो या दैट्स Sugar's Grand Finale Dewy Setting Mist, and that was the last product for this video. I hope you guys enjoyed it. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है. जो भी प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आज इस वीडियो में आपके साथ में बात करी है, उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. मेक श्योर टू चेक इट आउट, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून. टिल देन टेक केयर, बाय.